हे गाइस वेलकम माय असली चैनल। तो गाइस बहुत ज़्यादा अपडेट है रसलमेनिया से, रैंडी ऑर्टन से, सीएम पंक से और रोमन रेंज से। तो वीडियो को लास्ट तक देख लें, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है गाइस, वो जुड़ी हुई है हमारे सीएम पंक से। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव्स का कहना यही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर सीएम पंक का रिटर्न करा रही है तो बहुत ज़्यादा सीक्रेट होगा, वो ऐसा मतलब सीक्रेट होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा और शॉक देंगे। अगर शिकागो में सीएम पंक आ रहे हैं तो डील बहुत सीक्रेटली होगी, सीक्रेटली सीएम पंक आएंगे, सीक्रेटली ही होगा सब कुछ। तो वो सीधी सी बात है यार, एरिक बिशप या किसी की बात पे यकीन मत करो कि सीक्रेटली होगा। कि आप खुद ही सोचें ना, डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों ही इतना बड़ा शो को रिवील कर देगी पहले। डब्ल्यूडब्ल्यूई उसी टाइम पे रिवील करेंगे जिस टाइम पे सर्वाइवर सीरीज है शिकागो में, उसी टाइम पता चलेगा। तो गाइज दिस इज़ ए रियलिटी की शॉक मिलेगा, तो गाइज उनको सीक्रेटली प्लान करना पड़ेगा। एंड सी एम पंक अगर आ रहे हैं तो वो सीक्रेटली आएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो गाइज ये अपडेट थी हमारे सी एम पंक से। तो गाइज नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है हमारी रोमन रेंज से। तो गाइज बहुत सी रिपोर्ट्स का कहना ये है कि शायद क्या पता रोमन रेंज एक मैच रसल कर ले ईयर के एंड में। तो कुछ पता नहीं है गाइज, एल ए नाइट चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एल ए नाइट फिर से चैलेंज करेंगे रोमन रेंज को मैच के लिए। एक उनका रीमैच हो सकता है, इवन एज स्टाइल भी लाइन में है तो एज स्टाइल भी मैच ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर एल ए नाइट का मैच होता तो एज स्टाइल का भी मैच होगा, किसी ना किसी अरिना में किसी ना किसी टाइम मैच तो फिक्स है। क्योंकि रिपोर्ट्स का कहना यही है कि एज स्टाइल भी लाइन में है, उनका मैच होगा, इंजरी वाला एंगल दिखाया गया है जानबूझ के, तो ये मैच भी तो कंफर्म है। तो देखो गाइस क्या पता रोमन रेंज का मैच होता है या नहीं होता है। तो नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है हमारी शिंसुके नाकामुरा से। तो उन्होंने क्रिप्टिक सा ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा टोकियो जापान। तो गाइस बहुत सारे रूमर्स का कहना ये है कि शिंसुके नाकामुरा कर सकते हैं रोमन रेंज को फेस। तो मुझे नहीं लगता यार, अगर शिंसुके नाकामुरा कर सकते हैं फेस हमारे सी एम पंक को, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर सी एम पंक को ला रहे हैं तो शिंसुके नाकामुरा के सामने डालेंगे, क्योंकि शिंसुके नाकामुरा यार है सुपरस्टार पर उस लेवल पे नहीं है। तो अगर शिंसुके नाकामुरा मतलब ये ट्वीट कर रहे हैं तो कई रेसलिंग ऑब्जर्वर का कहना यही है कि सी एम पंक को ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे, कि अगर ला रहे हैं तो शिंसुके नाकामुरा के सामने नहीं डालेंगे, तो उनके ट्वीट के साथ कोई कंपेरिजन ना करें। तो आपको पता ही होगा रसलमेनिया की टिकट्स ओपन हो गई हैं, उन्होंने ओपन कर दी हैं पूरी तरह से। रसलमेनिया की वो हो चुकी है एंड शिकागो में सर्वाइवर सीरीज़ की भी मतलब थोड़ा एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड नहीं किया मतलब टिकट्स थोड़ी सी एक्सटेंड की है, 800 टिकट्स मतलब 500 टिकट्स थी तो थोड़ी सी रेंज बढ़ा दी टिकट की। तो गाइज रसलमेनिया की फर्स्ट ऑफ ऑल जो टिकट्स हैं वो मतलब ओपन हो चुकी हैं, आपको पता है पहले ओपन हो जाती हैं। एंड गाइज शो बहुत बड़ा होगा, एंड गाइज जो अरीना है उसमें इस बार जो स्क्रीन होगी जहाँ से आते हैं एंट्रेंस, वो कुछ अलग टाइप की होगी ताकि वहाँ पर भी बैठने को मिल सके लोगों को। तो गाइज ये अपडेट थी रसलमेनिया से। एंड गाइज शिकागो सर्वाइवर सीरीज़ की टिकट को एक्सटेंड कर दिया गया है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस टिकट को एक्सटेंड कर दिया है, 500 थी 500 से 800 कर दिए। तो यार सिंपल सा लॉजिक होता है, ये होती है मतलब प्रमोट करना, और ज़्यादा मतलब एक्सटेंड करना नहीं होता, मतलब उतनी सीट्स होती हैं बट उसे कुछ अलग वेव से दिखाते हैं, ये नहीं कि सीट्स एक्सटेंड कर दी अरीना से, वो नहीं होता, उसे एक बिज़नेस परफेक्शन से दिखाते हैं, कि एक बिज़नेस माइंडेड से और ज़्यादा दिखाते हैं कि हाँ और ज़्यादा सीट्स हैं, लेकिन सीट्स उतनी होती है। तो गाइज़ ये मतलब अपडेट थी सर्वाइवर सीरीज से। तो मतलब शिकागो में भी सर्वाइवर सीरीज है, उसकी टिकट्स भी हो चुकी हैं एंड भाई साहब जल्दी। तो गाइज नेक्स्ट अपडेट हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है बुली रेस से। तो बुली रेस ने रिसेंटली एक ट्वीट किया या कुछ भी बोला, उन्होंने कहा है कि D1 जो एक फिनिशर लगाते हैं कोडी रोड्स एंड जेउसो, तो वो बहुत ही निहायत बकवास फिनिशर है, क्योंकि यार वो पूरी तरह से लगता भी नहीं है, पूरी तरह से परफॉर्म भी नहीं होता है, कि कोडी कटर और D1 यूज़ होता है जो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही होगा D1 जो होता था वो डर्ली बॉयज़ यूज़ करते थे टेबल फोड़ने से पहले यूज़ करते थे ये वाला फिनिशर, तो उन्होंने इतना फेमस कर दिया। उसके बाद जिमी एंड जे ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया D1, मतलब जो वन एंड डन के नाम से हुआ। उसके बाद अब कोडी रोड्स और जे उसो यूज़ करते हैं D1 कटर के साथ। तो गाइस इसी पे बुली रे ने कहा है कि जो ये फिनिशर वो इतना ख़ास नहीं है, मतलब इन्हें इम्प्रूव करना चाहिए या कोई और फिनिशर चूज़ करना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से लगता भी नहीं है, पूरी तरह से होता भी नहीं है परफॉर्म। तो गाइस ये अपडेट्स थी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।